हबीबी, सुल्तान जफर का हुक्म है कि उस जंगल में जाना और वहां तुम्हारे लिए एक इनाम है। वाला वाला बीबी छा गई गरीबी, पता ही कौन सा इनाम होगा। चलो हुक्म तो मानना पड़ता। ओके ओके, हाँ ठीक है, शाबाश, जाओ उधर। बोलो बीबी, ठीक है। गरीबी, ये पावर तो सिर्फ संदूक के जनों के पास आती है। क्या मैं संदूक वाला जिद्दी बन गया? क्यों ना अभी जादू मंत्र पढ़ लिया जाए। गरीबी है मेरे अबू जान, जल्दी से आ जाए एक तूफान। बात है बीबी, आज यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तो मगरिब भी होने वाली है। उस पागल जफर ने मुझे संदूक का जिन बना दिया। हाँ मुझे पता लगे, उस कमीने जफर ने तुझे क्या बना दिया, एक जिन, वो भी संदूक का। लेकिन फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम कैद होने वाले थे उस संदूक में, लेकिन मैंने उस संदूक को रगड़ दिया। नहीं हबीबी, मैं तुम्हारा आका नहीं हो सकता, क्योंकि हम सबका आका तो वो ऊपर वाला है जिसने हमें बनाया है, इस पूरी दुनिया को बनाया। लेकिन तुम मुझे अपना भाई कह सकते हो, तो आप सोच लो तुम्हारा नाम मैं क्या रखूं। ठीक है भाई, जो नाम तुम्हें पसंद आए वही रख लो। तुम्हारा नाम, क्योंकि अब तो मेरे भाई हो तो सोचना पड़ेगा। तुम्हारा नाम जीनू। हाँ जीनू कैसा रहेगा? बहुत अच्छा नाम है मेरे भाई जैसे तुम्हें मंजूर। ठीक है, पर तुम मुझे अपनी कुछ जादुई ताकतें इस्तेमाल करके दिखाओ। क्या दिखा सकते हो? छोटे बच्चे को हम लोग कहते हैं काका, कह मुझे मेरे आका। अच्छा अच्छा ठीक है जीनू, अब मुझे वापस ले आओ। मेरे पास है एक मैग्नेटिस, आज मेरे आका आओ वापस। वाह जीनू, कमाल का जादू है तुम्हारा। चलो बस अब घर जाते हैं, फिर और जादू जफर के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। वापिस आ जाए मेरे पास। नहीं नहीं रोना नहीं है। हाँ मुझे पता लगा है कि उस जफर ने तुझे जिन बना दिया और उस तुम्हारा हक मुझ पर है। भाई मेरे दिमाग की दाढ़ी है।